उसको प्यास लगी हुई थी, ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। बारिश काफी तेज हो गई है यार, सारे कपड़े गीले, सब कुछ गीला हो गया। कैसा मरी? बड़ा सोना मरी देखा होगा कि हम लोग सियालकोट से बापसर टाप की तरफ निकले हैं साइकिलों पे, साइकिल टोवर पे। तो कल हम लोग इस्लामाबाद से मरी चल रहे थे साइकिलों पे और मेरे भाई की साइकिल खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रुकना पड़ा, इस होटल में रुके थे। वाली चीज सेब की साइकिल की खराब हो गई थी और ये ठीक करा लिया हम लोगों ने रात की। फोन खुश है, 4-5 हज़ार तो दिलवा रहे हैं बगैर के गल तो। मैं कीता, मैं तो सब चढ़ाई चढ़दा अगे आउंदे आ। सुबह सुबह उठ के सेब और आमिश नीचे चले गए, अपनी साइकिलें भी ले गए हैं। मेरी रानो इधर खड़ी है, तब मैं अपनी रानो को भी लेके चलता हूँ। मरी की चढ़ाइयाँ बढ़िया खतरनाक है, तकरीबन 15 किलोमीटर सफर है चढ़ाइयों वाला। ये चढ़ के मरी से आगे मुजफ्फराबाद की तरफ सारी उतर आई है, आगे मजा आएगा, लेकिन इधर मत बजने वाली है। ओए होए होए होए, चंगिया चढ़ाइया ने भाई, मत बज गई। ओए यार, इसे स्पीड क्यों मारनी है? जितने स्पीड मारने लगी अगर स्लो लग छाड़ देना आस्ता, चंगे बंदे ने यार। इस वक्त हम लोग फुल पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हैं, फुल चढ़ाइया चढ़ चढ़ के। ये देखें बस ऊपर ये इतना सा पहाड़ आ गया, तेज रफ्तारी जुर्म भी है। लासी की करना यार, साइकिल चुकी चलाइए, जिथे जाइए उत्थे अगले आंदा है, कभी स्लो कभी तेज रफ्तारी। हाय ओए, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे साइकिल ना सा। सुबह 6 बजे चले थे, अभी 7 बज गए, घंटा हो गया मैं निकले हुए। तो अभी एक होटल पे रुके हैं नाश्ता करने के लिए। ये आ गया हमारा नाश्ता। हमें साइकिलों पे सियालकोट से निकले हुए आज 5वां दिन है और हमारा फर्स्ट नाश्ता है पहाड़ों के दरमियान। आई हुई तो अभी जरा नाश्ता कर लें, उसके बाद मिलते हैं जरा। इस होटल से हर बार हम लोग ने रात के 11 बजे 12 बजे खाना खाया है। फर्स्ट टाइम है कि हम लोग इस होटल से नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता हम लोग ने कर लिया, चाचा जान मिले हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। कि नाम है तुम्हारा? जफर। वीडियो का मजा भी होता है कि नहीं? वीडियो का मजा आता है बहुत। दोपहर के 11:30 हो गए हैं और हम लोग रुके थे 7 बजे नाश्ता करने के लिए। आप सबको बताइए, इस एरिया में ना इंटरनेट नहीं सही होता, इस होटल में इंटरनेट था। इधर वीडियो एडिट की, अपलोड की, तो भी निकलने लगे यहाँ से। चला जाओ जी, इन पार निकला। अल्लाह पाक का शुक्र है 12 बजे चले हैं। धूप बहुत ज्यादा थी, निकलने को दिल नहीं था कर रहा, लेकिन अभी चले हैं और साथ ही बादल बन गए हैं। चढ़ाइया ही बढ़िया ने यार, करना की है, हम तो जवानियां भी नहीं बन रही। ठंडा गर्मी इतनी है कि जो बोतल में पानी डाला होता है ना, वो भी गर्म हो जाता है। फाइनली जी हम लोग मरी के नजदीक पहुंच गए हैं। ये जो आपके सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, इसके ऊपर मरी है, ये सारा मरी है। अभी ये सामने मरी है, हम लोग ने इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके वो सामने जो आपका रोड नजर आ रहा है ना, इधर से इधर को आगे निकल जाना है। हम लोग मरी के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग बस नीचे से मुजफ्फराबाद निकल जाएंगे। बाकी माशाल्लाह मौसम जो है ठंडा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मजा आ रहा है साइकिल चलाने में। अभी बस ना तकरीबन 8-9 किलोमीटर हो चलानी है साइकिल, फिर नीचे उतराई आ जाएंगी सारियाँ। मैं और हम जाना सबसे पीछे हैं। मावी लोग, सहेब लोग, भाई इज्मत लोग हमें कहते हैं कि आप लोग थक जाते हो। हम लोग आए टोटल चलाते हुए हैं, इंजॉय करते हुए आ रहे हैं, मजा आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, उसके अलावा नजारे देखते हुए आ रहे हैं। आए हम घूमने हैं तो स्पीड मारने का क्या फायदा। इस बार मैंने और हमजा ने सोचा है कि हम लोग अच्छी तरह आराम आराम से जाएंगे, चीजें देखेंगे, फुल मजे लेते हुए जाएंगे, इंजॉय करते हुए जाएंगे। फिर मैं और हमजा इधर रुके हैं रास्ते में, हमजा वो सामने शॉप पर गया, वहां से कुछ खाने पीने की चीजें लेने गया। लूनी चीज भी को लाए तो जूस वूस भी लाए। जल्दी आ जा, भूख डटी यार। मीठा खाने से मेरा बीपी लो हो जाता है, जूस तो दे पीना नहीं होता। चल नहीं रानो न्यूरी सा तेरिया। यहाँ से मरी 17 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 80 किलोमीटर, और अगर चलते हैं यहाँ से मरी तो तकरीबन 7-8 किलोमीटर है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी मत बाजेगी, आप लोग पैदल नहीं चढ़ सकते, इतनी चढ़ाई है अचानक। हम लोग 2 बार गए हैं उस रास्ते से, हमें पूछो क्या बना था। ओए होए होए, अल्लाह अल्लाह करके परे थे तो सुधागर भी इसी रास्ते में जाके गिर गए थे, इन्होंने हमें सताना शुरू हो जाए। हाँ जवानो मजा आ रहा है, फिर फुल मजा आ रहा है फुल। कैसा मरी? बड़ा सोना मरी चढ़ाई चढ़ता है ना,
मत वज जाती दिमाग काम नहीं करता बैग राह च रह जाने फड़ लिया प्याज दौड़ ला जल्दी ला क्या हम लोग इधर रुके हुए हैं आमिर के साथ प्रैंक चल रहा है उसे नहीं पता ये कैमरा आना है ये भाई आया सब्सक्राइब करा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल ठीक ठाक अल्लाह शुक्र अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल ठीक इतने खलोते हैं सारे आने वास्ते अचानक जाना आमिर गल नहीं मन रहा उन्होंने कहते तू साड़ी गल नहीं मानता चल तेरू बस च बिठाने वो फुल डर गया आज आमिश ने अब कहा है कि मैं आपकी बात मानूंगा शरारतें नहीं करूंगा तो इस शर्त पे उसको वापस लेके आ रहे हैं अगर आइंदा से इसने बात ना मानी तो इसको वापस भेज देना हम लोग इधर खड़े थे प्रैंक के चक्रों में और इतने में ऊपर चेक करें कितने ज्यादा गारे बादल आ गए हैं और इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं ना इसके नजदीक होटल कोई भी नहीं है हमें दूर जाना पड़ेगा तो अगर बारिश आ गई तो भीग जाएंगे हम भी और हमारे कपड़े भी सब कोशी चलो हमारा तो ये है ना बहाने से नहा लेंगे बाकी कपड़े शपड़े मोबाइल हर चीज भीग जाएगी अगर बारिश आ गई तो बारिश पक्का आएगी क्योंकि छोटी छोटी कनियां आनी स्टार्ट हो गई हैं तो अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से किसी होटल की तरफ किसी होटल में जाकर रुकते हैं चलो आयो यार जल्दी करो घंटा होगा मैंने ठीक दिया सामने जो मरी वाला पहाड़ है ना वो तो गैप हो गया बादल की वजह से अल्लाह माफ करे आयो निकले तो रो भाई इसमें चले नहीं बैठो आपके लिए चार पहले चलो चल जल्दी आयो सबसे मजे की बात ये है कि सब लोग हैरान होते हैं जब उनको बताते हैं ना कि सियालकोट से आए हैं तो बहुत हैरान होते हैं यार सियालकोट साइकिलों से तो हमें फिर प्राउड फील होता है पता नहीं कह रहा मार का मार चले हम लोग जा रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है यार अब ना आगे होटल ना पीछे होटल बारिश में फंस गए हैं कपड़े सारे गीले सब कुछ गीला होगा बारिश यार जल्दी जान दो भाई के पासे बारिश काफी तेज हो गई है वो सामने दो झोंपड़ियां तो है लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं यहां से वहां जा सकूं टांगे दर्द करने लगी बस होटल ढूंढने के चक्कर में झोंपड़ी तो है लेकिन उधर फैमिली है उधर भी नहीं जा सकते खैर सलाह फिर नहा लेने बारिश काफी तेज हो गई है यार सारे कपड़े गीले सब कुछ गीला हो गया अभी ये सामने एक होटल आया जब हम लोग पूरे का पूरा भीग गए हैं अभी हमें ये थोड़ा सा आसरा मिला है तो जान छुटी है बारिश से साइकिलें हमारी वो खड़ी हैं सहेब और हमजा वो रोड के पार खड़े हैं अब जाके बारिश रुकी है और अब फिर आगे निकलते चाल नहीं रानो न्यूरी सा फेरिया बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम सुभान अल्लाह जी सखराना हाजा लास्ट ब्लॉग में मैंने ना ये दुआ वीडियो में नहीं थी पढ़ी वैसे पढ़ी थी तो कमेंट आया कि आपने दुआ नहीं पढ़ी अभी मैंने कमेंट पढ़ा आइंदा से रोजाना वीडियो के अंदर पढ़ करूंगा बारिश गई है और सूरज फिर चढ़ गया सड़क भी देखे सूख गई है अभी हम लोग इधर रुके हैं इधर रुके छलियां वगैरह खाई हैं रोटी खाने का क्या प्लान है रोटी खाने का ऊंची रोटी खाने की ऊंची है की आप ही क्या ऊंची बोलो ऊंची मैं क्या ही नहीं मैं क्या रोटी खाने की प्लान है ऊंची आल मैं अच्छा आई हूँ सही गल ऊंची रोटी कितनी खानी ऊंची तेरा मुंह है बीच में ऊंची ये पूरा ही ऊंची और दो मई ऊंची उना आज होनी तो तुसी ऊंची पीछे आठ जोनी तो ऊंची ना थोड़ी रोटी खाई यार ऊंची हाँ होटल ही है की महंगी सुबह 7 बजे का नाश्ता किया और ऊपर से 4 बज गए हैं रोटी नहीं खाती झाड़े लाई मेरे पास मड़ी चौक तक जाने तो खाने आप ही खाए ने पिछू भूख के साथ पेट में चूहे साइकिल चला रहे हैं तेरी गल ठीक है चूहे साइकिल चला रहे पर बाहर शेर भी चाहिए देखो साइकिल पे थकावट होती है लेकिन इस तरह का सीन देख के ना सारी थकावट उतर जाती है जब बारिश हो रही थी ना तो हम वो वाले होटल में रुके थे ये सामने वाले में सब्सक्राइबर मिले रास्ते में जाते हुए माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सारी वहां पीछे तू तो चार टूवर किते ने तू तो चार टूवर किते ने तू तो चार टूवर किते ने 2-3 दिन हम लोग रहे हैं शुगल मेले में तो ये आगे गुजर के पता हमें क्या कहते थे और तुम 4 टूवर किते ने तुम 5 टूवर किते ने ताड़े को सामना नहीं चलिया जाता इंज सताते हैं हो थक इंज ब्रेक लगनिया ने इंज लगनिया ने 4 टूवर किते ने फाइनली जी 4:30 हो गए ने ते हुण जाग जाना लथाइया आई हैं जदों फुल मत बज गई है ना मैं पचा ला अगे लंघ गया सारा ही अभी इधर रुके रोटी खाने के लिए रोटी छोटी खा के फिर चलते आगे भाई इसमें तो समझा देने दोनों कि अगे जाना कि नहीं जाना कितने चले वापस कर
चार बजे दोपहर की रोटी में आ गया पराठे और साथ चने। वो चने गवांडियों के हैं और ये चने मेरे और हमजा के हैं। ये देखना भाई पराठा कैसे बनाते हैं। ओए ओए ए तेरी खैर जवाना। नाश्ता हम लोग ने कर लिया तो प्लान है आगे मुजफ्फराबाद निकलने का। अबे अपनी रानों को पकड़ते हैं और निकलते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। ये हो गई शुरू उतराइयां। अब सिर्फ साइकिल की ब्रेकें दबानी है और कुछ नहीं करना। अपना वो घूम बेच बात चली थी। कहाँ से मुजफ्फराबाद है 70 किलोमीटर। हम लोगों को अभी मुजफ्फराबाद निकलना है इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके। टाइम इस वक्त 5:24 हो गए हैं। सेब बहुत ही ओवर स्पीड नहीं जाना, ब्रेक ब्रूक नहीं लगनी। हूं लथाइया आईया ना चेक करो। हाय हाय हूं दंद निकल रहे। हाय अब उतराइया आईया ना तो सबके दांत निकल रहे हैं। देखी मैं खुद पै गई है। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸਮਤ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੇ ਸਾਡੇ? ਆਹੇ ਲਾਲਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ सोना पिंडी। ये चेक करें जी, छोटा सा पहाड़ है उसके ऊपर घर है, फिर उसके बाद बड़े पहाड़ है उसके ऊपर घर है, वो सारे घर है। इस पहाड़ के ऊपर सारे घर है, उधर घर है। उतनी आबादी हमारे शहर में नहीं है जितनी इधर है। ग्यारह किलोमीटर सफर हो गया, नाट रह गया। ट्रैफिक में फंस गए हम लोग। सलाम भाई, एक्सीडेंट कर रहा है राज, 10 आगे जाएंगे सीधा त्यौहार कर पा गां लांगे। शाम के 7 बज रहे हैं, मुजफ्फराबाद 45 किलोमीटर। हम लोग इन पहाड़ों में से कहीं पीछे से आए हैं और अभी इन पहाड़ों में जाना आगे। इसके दरमियान से दरिया गुजरता है जिसकी वजह से इस पहाड़ को काट काट के रोड को पहले दरिया के बराबर लेके जाएंगे, फिर उधर से पुल के जरिए परा। हम लोग इधर रास्ते में रुक के ना सांस ले रहे थे और इधर चेक करें, छोटी छोटी मंजियाँ, छोटी छोटी पीरियाँ, छापे छोटी पीरियां, ऐसी सारी चीजों की दुकान भी है। ये छोटी पखियां लकड़ी बने। बड़ी यूनिक यूनिक चीजें हैं इधर, लेकिन दिखाने का टाइम नहीं है क्योंकि ऊपर से शाम हो रही है और हमें किसी होटल में पहुंचना रुकने के लिए। ये देखें क्या बना हुआ है, थोड़ी सी हवा चलती है और घूमने लग जाते हैं। देखना ये गाड़ी गुजरी घूमने लग गए। ये दरिया जा रहा है पहाड़ों के दरमियान में से। इस वक्त हम लोग इधर खड़े होके भाई इज्जत का इंतजार कर रहे हैं, वो पीछे रह गए हैं। भाई इज्जत भी आ गए हैं, तुम पीछे रहो। फिर ये आ गए हम दरिया के बराबर, पुल क्रॉस कर रहे हैं। ये नीचे दरिया, ये दरिया है वो चेक करें नीचे कितने लोग हैं। कितने गए से बा हूं दस दरिया छोटा तो छोटा लगता पे हूं दरिया दरिया का पानी पे कितना तेज लगता है। ये भी मठा पे जो थले जाएगा फिर तेन पता लगेगा पानी कितना तेज पानी नाले ग्लेशियर का होंगे ठंडा। ये हम लोग कश्मीर एंटर हो रहे हैं जी। पिछली लार बाल ला मैं कश्मीर में एंटर होने के बाद ना अंधेरा हो गया और अब एक ना इधर होटल है कायद आजम होटल, हम लोग उधर रुक जाएंगे इंशाल्लाह। इस होटल में रुकने का प्लान है और इस होटल का नाम है कायद आजम होटल।
उधर आले कमरे लग जाने चासा जी सुन तेरी आवाज ना है मैं बस पीपी मैं बस सुनिए ऐसे टाइम गड्डी उठा ले आंधी ये गड्डी ऐसा नहीं गड्डी होती आगे मेरा पा के चिप तन बड़े की मसला बन गया भाई असमत ने गड्डी से ना ले आई थोड़ी वो चादी नहीं चलन दे यार भाई असमत ना हम से भरे हैं तो हम लोग ज्यादा बातें उनसे नहीं करते कल्ला सिर खाना गल भी नहीं कोई गलत करता उन चीज सिर खाना गला पुछ पुछ फिर अनुकूल मन आए यार गला भी ना करी हुई चुप करके थोड़ी जी बोर्ड हुई है फिर ना पिंड जाके उठ तो नहीं बोलता उथे नहीं बोलता उथे नहीं कर दिया पिंड आहो वाकई है गल तो सही है जो मैं रहा ना भाई अजमत के पिछे रहा सैकल बदल च भी उथे पिछलियां सहावा पहाड़ियां च भी भाई अजमत का साथ नहीं छड़िया मैं हूं भी पिछे रहा वा हूं भाई अजमत मेरा गेट शिफ्ट सही कर चुना सवेरे क्यों नहीं कमरे में पहुंच के सब लोग अपने अपने मोबाइल में लग गए हैं सिर्फ आमस के अलावा आमस पूरा सुगली बंदा पूरे चासल कर ले रहा टूर की होटल बुक करवा लिया है तो ये रहा हमारा कमरा तो बाकी इससे आमस तुम एक गल दसा इस होटल में क्याद आजम भी ठहरे थे क्याद आजम मोहम्मद अली जी हाँ जी किस कमरे से सुते यार ये वाले कमरे से सोना है भाई वो थे एक प्यासा कवाटा उसको प्यास लगी हुई थी वो इधर उधर फिर रहा था वो कवा भी मार जाना चाहिए थे उन्हें कहानी सुन ली थी वेदी मेरी कहानी तो गलत पड़ी होटल में थोड़ी देर आराम किया और अभी शाम का खाना आ गया शाम का खाना खाते हैं उसके बाद सो जाएंगे शाम के खाने में हम लोग चिकन कढ़ाई खा रहे हैं और ये पूरी मुर्गी एक हलाल करा के उसकी बनवाई है तो ये था जी हमारा आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह कल निकलेंगे हम लोग आगे मुजफ्फराबाद की तरफ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ओके अल्लाह हाफिज़ लव यू भैया।